नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने ही एक अफसर हफ्तों से ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इन अफसर के ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया, भगोड़ा घोषित कर दिया गया, वो बाकायदा अदालत में जा करके अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगवा लेते हैं, लेकिन यूपी पुलिस है कि अपने ही एक अधिकारी को ढूंढ नहीं पा रही है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भगोड़े घोषित आईपीएस अधिकारी मणिलाल पाटीदार की, जिनके ऊपर एक हत्या का आरोप है और इसी मामले में वो फरार चल रहे हैं। हफ्तों गुजर गए, उन पर इनाम घोषित हो गया, पुलिस की टीमें बनाई गई और सख्त हिदायत दी गई कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस है कि अपने ही अधिकारी को ढूंढ नहीं पा रही है। जबकि इस बीच उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए एक और एप्लीकेशन लगा दी, जिसको अदालत ने भले ही खारिज कर दिया हो, लेकिन वो अपने हर वो काम कर पा रहे हैं जो कि वो समय रहते कर सकते हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं तलाश पा रही है। मणिलाल पाटीदार वही आईपीएस अधिकारी हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था कि महोबा के एक व्यापारी को इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मौत हो गई। उसने बाकायदा एक वीडियो जारी करके आईपीएस पर आरोप लगाया था। तब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन मौत के बाद जब हंगामा मचा तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आईपीएस साहब फरार हो गए। अब वो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर एक दूसरा आरोप लगा, एक और व्यापारी ने उनके ऊपर आरोप लगाया, उसी के चलते उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका दायर की जिसमें उनको जमानत मिल सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ फरार होने का और उनके खिलाफ भगोड़ा घोषित होने का भी आरोप है, इसीलिए उनको अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। पुलिस की इस नाकाबिलियत पर पीड़ित परिवार के लोग भी बेहद नाराज हैं। उनका कहना यह है कि पुलिस न तो अपना काम ठीक ढंग से कर रही है, बल्कि अपने अफसर को बचाने के लिए हर एक कोशिश कर रही है। इस मामले में एक कांस्टेबल भी आरोपी था, उसने थक हार करके सरेंडर कर दिया, लेकिन आईपीएस मणिलाल पाटीदार अभी भी कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे उनकी जान बच सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया जी से इंद्रकांत त्रिपाठी जी के पूरे परिवार की ओर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप शीघ्र अति शीघ्र जल्दी से निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार को उसके पद से बर्खास्त कीजिए, जैसे आपने अन्य पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किया है। आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से वो एक लंबे समय से फरार चल रहा है और साथ ही साथ वो अग्रिम जमानत के लिए प्रयास भी कर रहा है। पुलिस चाहकर भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। हमारी ये मांग है कि आप एसपी मणिलाल पाटीदार को भगोड़ा घोषित करें। भारत के सभी समाचार पत्रों एवं थानों में उसे भगोड़ा घोषित करें, साथ ही साथ उसके ऊपर इनाम की राशि रखें ताकि पुलिस उसे जल्दी से पकड़ सके। सिर्फ उसकी एक दुकान की कुर्की करके, जो कि चाय की दुकान है, उसकी चाय की दुकान की कुर्की करके कुछ हासिल नहीं होगा। उसने प्रत्येक व्यक्ति से लाखों की घूस ली है। उसके पास लाखों की भ्रष्टाचार की कमाई नहीं होगी, उसके पास करोड़ों ऐसी संपत्ति होगी जो उसने रिश्वत लेके कमाई है। उसकी, उसकी पत्नी की, उसके बच्चों की, उसके माता पिता की और उसके परिवार की जितनी भी संपत्ति है उसकी जांच की जाए, उनकी कुर्की की जाए, तभी सच सामने आएगा कि उसने ना जाने कितने सारे इंद्रकांत त्रिपाठियों को मानसिक प्रताड़ना दी है, उन्हें मृत्यु के हवाले किया है। सर, आज एक इंद्रकांत त्रिपाठी का केस आपके सामने उपस्थित हुआ है। ना जाने ऐसे कितने सारे इंद्रकांत त्रिपाठी होंगे जो एसपी मणिलाल पाटीदार की इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं। मुझे आपसे प्रार्थना है। बहरहाल सरकार ने सख्ती दिखाई तो उनके खिलाफ इनाम घोषित हुआ, भगोड़े घोषित हुए और उनके खिलाफ अभियान भी चलाने की बात कही गई, लेकिन अपने ही विभाग के अधिकारी को ढूंढने में नाकाम पुलिस वाले आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह समझ में नहीं आती। ऐसे में साफ इशारा है कि अगर मणिलाल पाटीदार किसी वक्त पकड़े भी जाते हैं तो जांच के नाम पर उनको किस तरह की मदद की जा सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल मणिलाल पाटीदार की किस्मत का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की जो भूमिका है शुरू से ही संदिग्ध है। पहले आईपीएस ऑफिसर पर आरोप लगाया कि वो व्यापारी को धमका रहे हैं और इतना धमकाया कि उसकी जान चली गई। उसके बाद जांच कर रही पुलिस पर आरोप है कि वो अपने ही विभाग के एक अफसर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जबकि इतने इनाम और इतनी कोशिशों के बावजूद पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिली है। ऐसे में वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के केस का हुआ क्या।
तो अपने ही महकमे के एक बड़े अफसर को ढूंढने में नाकाम यूपी पुलिस पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहे यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।